वालेकुम सलाम। फिर तू कहनी मेरी गल नहीं मानता, धो रहा बर्तन बावजूद तमाम मसाइल दे। ओदी वजह है कि मैनू मेरा वो जो एप्सन साल्ट वाला जो बर्तन तू मैं रोज तैयार करना, तू शाम के टाइम उन्होंने डोल के सट गया मार दी। उस आसानी रही गर्म करो तो हाथ पा लो। हूँ मैं ये तेरे तक कोई आसान नहीं कर रहा, मैं तो अपनी थेरापी कर रहा। मैं कहा नाले गर्म पानी नाले गर्म पानी थोड़ा टकोर हो जाऊगी तो नाले बर्तन धुल जाएंगे पे इस बहाने, बजाय कि मैं उदा ही पानी डोलना सारा। नहीं गर्म पानी ने तो नाले चलो एक्सरसाइज हूँ रात सारी स्प्रिंट पाई है। ठीक है गल्ला तेरी मैं बहुत मनता है, सही तेरी गल्ला मनता नहीं कोई तो जाहिर है इस बहाने नाले थोड़ी एक्सरसाइज रिस्ट इन्होंने उंगलियों की हो जाए तो नाले गर्म पानी है ये थोड़ा हो जाए तो नाले तेरा काम बर्तन तो तेरे भी थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं मेरे तो आसान नहीं बर्तन पे तेरे तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती इस घर के बर्तन धोन की। मेरी जिम्मेदारी नहीं नहीं बनती वो जरा मैं कह कि बच्चे जिदा वो हूँ तो यह भी मेरे तो ब्लेम लाइनी है कि मेरे आने तो बाद बच्चे बिगड़ गए। तू कहनी मैं कभी एक प्याली एक प्लेट भी रहन नहीं दी इत जिन्हें खाना उन्हें धो के रखना इधर से तो फिर हूं क्यों नहीं कंट्रोल किया। नहीं तो धो के जाते हैं तेरे बर्तन होंगे सारे खुदा नु मनो देखो इन्हें भरिया पूरा है मेरे। हां ते तेरे अगो ते खैर असी रात नु टोरंटो चले गए शेष करके पे है लेकिन ज्यादातर तेरे अपने बर्तन होंगे। मैं अच्छा मैं भी हूं आज तो बाद जेडी मैं जो चीज खानी उस वेले धोता नहीं खत्म कर बस। तू जिदा बच्चा नु लाया सी जिस काम ते पहलो ना उसे तरह लाया उजैर अपनी धोंदे उजैर कदी छड़ जांदा वा सना उसामा सना उसामा सना हां उस वेले धोंदे ना फिर देख सिद्धा जी सुगड़ तेरी बहू होर तेनु की चाहिए ले सला अपने बर्तन फिर तू ओही बोली सना तू कितो गल्ला सना तो भेजा उदा मियां तो भेज तेनु तेनु तो बर्तन साफ तेरे तो मिल जांदे ना पूरे घर दे नहीं अपने तो कम से कम धो तो देंगे ना। हाँ। दोनों दे तेरे बर्तन ना तेरा मीन शोर धो रहा क्यों हाँ, क्यों धो रहा मतलब वही है ना मैं धो रहा उ सना के बजाय सामा धो रहा मैं फिर तू इतराज दे रही मैं क्या तेन दस दू क्या चल हूं फिर उस तो बाद चाह शाह बनाने ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਚ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂ ਇੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਝ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਾਲ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਬਾਪ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਹਾਂ मैं तो लिया जिम्मेदारी मैं तो फर्क करता ही नहीं मैं तो क्या कि मेनू जो बर्तन तो वाला रोटी पकड़ जो मर्जी मैं करता ही है ना नॉर्मली वैसे गल कर अगर मैं नहीं करता पता माँ तो कम किए बगैर नहीं ना रेजी उन्हें लग गया ना आपे कई मिनट तो मेरी सब बैठा हूं देखता रहता हूं भी हूँ उठी हूँ उठी हूँ उठी तो जे ना उठे तो फिर मैं उठ फिर मैं लग जाता नहीं तो तेन पता चेता हो गया हूँ गर्म पानी काफी देर रात ठंडा हो गया ट्रंप मैं ये कहना चाह हाँ वो तो ठीक है ये आपकी इतनी दिमाग आपका इतना तेज कहाँ से हो गया ये जो लफ्ज की मीनिंग पापा आई एम योर सन व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट वो जरूरी नहीं है कि बाप अकलमंद है तो बच्चा भी अकलमंद हो यार ये होता है कि बाप बहुत अकल समझदार है बच्चा बिल्कुल डम यानी आपको ये आपके ध्यान में ये मम्मा के इससे ट्रांसफर वेट लेट्स गिव अ ऑनेस्ट आंसर हु इज स्मार्टर मॉम और डैड Even mom said it. Papa's really smart. Papa's really smart. He doesn't look like it because his hair is missing. Kulo maybe that's why his hair is missing. मैंने कितनी आस्क से कहा पापा. अच्छा ये भी मम्मा ने यही कहा पापा? Mama is self-aware. I'll be honest, you're pretty smart. Because even think about it, you came on YouTube, you understood what people wanted to see, and now you're getting lots of views. That is an intelligence on its own. Papa, basically, कुछ भी कर सकते हैं. You edit your own videos. At your age, nobody could edit their own videos. बिल्कुल. I bet you, if I taught you how to make thumbnails, you would be able to learn that. I think your capability of learning is endless. It's different that you don't maybe know certain things, but I think you can learn anything. That's what I'm basing on. Now, however, my mom, amazing. You know what I'm saying? The best. फिर मुझे कहना. I don't think she's capable of learning everything. No, no, no. It could be. No, no, no. It could be.
और तो इस सही अदर वे अराउंड भी हो सकता है हाँ. मैंने तो हायर किया हुआ एडिटर एंड डायरेक्टर एंड एवरीथिंग यू कैन इवन अफोर्ड दैट. Mama is like street smart, I want to say. She's like yeah. like quick, like this. Papa is intelligent. Mom yeah. is this. You know what I'm saying? I'm both. So like, you know what I'm saying? Like, I'm both. Huh? You? No, you're half. Depends on the situation. Laba, honestly, Laba, we'll just say you have a good heart. Intelligence. What do you mean? We'll say you have a great okay, heart. Okay, who did all of this? Huh? My own career. Both acha dil hai. You know what I'm saying? Like, intelligence thodi si kam hai, but you know, amazing heart. Heart amazing hai. Heart amazing. Intelligent nahi hai na? Intelligence mein... To bache, intelligent nahi hai, to jab bhi isi stage pe ye pahunche bagair intelligence ke. Sabse achhe log saade log hote hain. Simple. Acha? Chalo, ye bhi ek quality hai. Abhi agar simple aur acha saada hai, to ye bhi quality hai. तो अल्लाह ने वो फिर इसीलिए फिर उसको इतना दिया भी. I think so too. I think yeah, that's probably why. और एक लोग सादा बहुत होते हैं लेकिन बड़े अंदर से बड़े मीसने होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अब मीसने के लिए पंजाबी में आपको समझानी पड़ेगी. अब ये ऐसे लोग भी होते हैं जो आज भी वो जो ना सिर्फ डोई हिला रहे हैं उसके अंदर जो सालन के अंदर बना वो रहा बेचारा. मुझे तो इससे इतनी हमदर्दी आस है, इतनी हमदर्दी है. यकीन करिए इतनी मेहनत करता है बच्चा सिर तो लेके पैरा तक टोस टो टू हेड. I'm just tired. Yeah. All I do is cook. हाँ और वीडियो बना. Cook and talk shit. Cook and talk shit. और जेड़ा फिर बेचारे नु तेरे कुकिंग तो जदों टाइम मिलदा फिर वो ज्वेलरी बल जांदा. तू सोच तो सही उसकी कुर्बानी देखो उसकी उस बच्चे की. यकीन करे कुर्बानी में मैं 50% काटता हूं. तू इना उन बेचारे नु टाइट किया यकीन करे वो देख सुखदा जा रहा देख पैरा तो लेके सिर तक सुखदा जा रहा है बेचारा. अब तो मुझे मैसेज आने लगे हैं उजैर. लोग कहते हैं अंकल आप वो मैसेज का रेफरेंस नहीं दिया. अभी क्यों नहीं दिया करूं? आप ही लोग जो चीज बताते हो मैंने आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी. उजैर के लिए कह रहे हैं कि अंकल अब आप उजैर को खाने से रोक दो. उजैर रोक दो अपनी लिमिट से अब आगे जा रहा है. ये हमको जो हमने इसको देखा दो चार महीने पहले जो हाँ जो चार महीने पहले देखा था. अच्छा बेटा ये लूज क्या वो नहीं पता उनको पता क्योंकि उजैर नो आई डिसएग्री व्हेन पीपल से दैट. नहीं तो आप कहते हो उजैर ने वजन कम किया. नो सो कम किया सो दे राइट. अच्छा नो बट दे राइट बिकॉज़ आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड देन आई गेन्ड अ लिटिल बिट बैक. सो व्हाट दे आर सीइंग इज फ्रॉम कंपेयर्ड टू 4 मंथ्स अगो आई वाज इन रियली गुड शेप. फिर अगली दी जगह ओवरऑल आई गेन्ड अ लिटिल बिट रिसेंटली. उजैर No, यार मेहरबानी करो. वो यकीन करे इतने में कहते हैं ये बोलते अचानक अंग्रेजी शुरू करते हैं अंकल आप इनको रोको. उर्दू तो कम से कम बोलो ना यार. उर्दू तो मेरे चैनल उर्दू तो बोलो. पूरी उर्दू कैसे बोलेंगे? जैसे भी बोलो. उर्दू कैसे बोलेंगे आप बताएं. वैसे बोलो. मुझे मुझे कबूल है कबूल है कबूल है. आप उर्दू बोलो जैसी टूटी फूटी मुझे एक्सेप्ट है. Yeah, but कभी कभार लाइक निकलती नहीं है. निकलती नहीं ना. चलो एक आध लफ्ज बोलिए. आपको क्या आप ये बताएं हम पूरी पूरी लाइफ में स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाए सब मान लो. आफ्टर 8 इयर्स आफ्टर लाइक 6-7 इयर्स ओल्ड ना इंग्लिश घर में सब बात. यू नो आई एम सेइंग दोस्तों के साथ इवन इफ वी हैव देसी दोस्त उनके साथ इंग्लिश बोलते हैं. कोई नहीं देसी लाइक यू नो उर्दू नहीं बोलता है. ठीक है. सो यू टेल मी हाउ मैं उर्दू कैसे बोलूं. मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं मैं सब मैं एग्री करता हूं और बस पूरा पूरा सब कुछ ट्विस्ट करके उल्टा उल्टा कर दूं. उल्टा हो जाऊं. उल्टा हो जाऊं. नहीं मेरा मतलब कहने का कि आप कोशिश तो करो जितनी बोलते हो प्रैक्टिस होगी तो बोलो. कोशिश नहीं है. आप पाकिस्तान आए मैं फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान आए तो कितनी तेज हो गई थी उर्दू. पाकिस्तान में तेज हो जाएगी. लेकिन आप मेरे से यहाँ बोलते नहीं हो ना. नहीं, कहा आप तो लाइबा आप दोनों को तो पता नहीं कोई प्रॉब्लम है देनी उसी वक्त अंग्रेजी शुरू कर देते हो. मेरा भला के लिए मैं नहीं बोलने दूंगा. नहीं मैं आप मैं हम एक्सप्लेन प्रॉब्लम है इंग्लिश में सोचते हैं होल लाइफ. यू नो हम या यू नो हमारी सोच लाइक आवर थॉट्स आवर थॉट्स उर्दू में होती है. जितना काम है मैं अगर जितना काम आते बच्चे नहीं तो मेरे पीछे कितना पै गए दोनों. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आपके लिए एक सवाल है. आप पंजाबी में सोचते हैं या उर्दू में सोचते हैं? नहीं मैं पंजाबी में ज्यादा सोचता हूँ उर्दू में कम. Really? Like in your head आप पंजाबी में सोचते हैं? जब मम्मा से बोलना होता तो फौरन पंजाबी नहीं बोलता. No, मैं बोलने बोलने में बोलना का छोड़ो like अकेले होते हैं आप कैसे सोचते हैं? ज्यादा फिर वो जाहिर है उर्दू बोल बोल के तो उर्दू ज्यादा आती है दिन में. ठीक है तो हम लोग इंग्लिश में सोचते हैं तो हमने ट्रांसलेट करना होता है. अच्छा Yeah. दोनों एक दूसरे से चमचे है. इन्होंने मुझे ना मेरी बात माननी नहीं है इन्होंने जो उसको. आपको ये आइडिया है लाइबा आप लोगों किसी ने नोटिस किया कि उजैर जब आता है चलता हुआ ना तो ये कमीज के अंदर हाथ क्यों डाल लेता है ये बेली को जाके ऐसे हाथ पकड़ लेता है. लोगों ने मुझे कुछ 10 कमेंट्स आ चुके हैं हंसते हुए. नहीं नहीं आप ऐसे चलते हुए ना ये कमीज के अंदर ऐसे हाथ डाल लेते हो.
कमीज के अंदर बोला ये बैली की तरफ हाथ रख क्यों ले जाता है, ये वजह उसकी क्या? Maybe not with this shirt, because this shirt's tight. फिर वो इतना हंसते हुए क्योंकि वो बुरा नहीं मना रहे, वो ऐसे फिर जोक हो गया ना आपने जब लॉफिंग इमोजी भी बनाया तो वो हंसते बोला अंकल हमें तो ये समझ नहीं आ रही ये उज़ैर जो हर वक्त अपनी बैली पे कमीज के अंदर से हाथ क्यों रखता है. अच्छा अच्छा वो पॉकेट के लिए है ना, तो हो सकता है ये भी वजह हो सकती है. I don't even know I do that. ये मुझे अभी पता चला है. चलो अब पता लग गया ना, आइंदा ख्याल करना जरा. तुम्हारे हाथ में नुकसान कितना है, तुम्हारे हाथ में नुकसान कितना है. कभी फोन गिराता है, कभी वो वो नहीं वो आपकी हेल्प के लिए आया. देखना वो कैसे हेल्प के लिए आया. क्यों तुम्हारे हाथ में नुकसान कितना है, तुम्हारे हाथ में नुकसान कितना है. अभी आएगा फिर आएगा देखो कितना नुकसान है तुम्हारे हाथ में, कितना नुकसान है. देख रहे हो देखो उसको गुस्सा आ रहा उसको क्यों मार रहा है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो एवरीवन. आसवा कदी तू फोन छड़ भी दिया कर, फोन छड़ भी दिया कर. जदों देखो फोन पढ़ पढ़ के तू पर फोन तो की पढ़ दी मैंने पता लगे. हाँ जरा तू इस तरह करके मुंह करके जो देख दिए ना. चलो खैर लोग बड़ा उन्हों अप्रीशिएट करते कहते आंटी बस तेन सिर्फ देख के चुप कर जाती है. हालांकि वह बोलने बहुत दिल करता लेकिन बोल दी नहीं बेचारी. सो नाइस. तो ये इदा ही है जिदा हूँ उत्थे दा अगर इलेक्शन हो गए ना आप तो जाहिर यू आर द विनर. और 4 मिलियन उन्हें ज़्यादा लाए तो तू तो मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने मिलियन ज़्यादा वोट तेन मिलन जब आप दोनों इलेक्शन लड़ी है. क्योंकि लोग जरा उन्होंने रुझान उन्होंने सोच तेरे वास्ते ज़्यादा पॉजिटिव है, मेरे लिए भी है लेकिन स्टिल तेन ज़्यादा चंगा समझते और है भी इस तरह. हालांकि मैं ये कहें बड़ा दिल दुख रहा मैनू मेरा बड़ा दिल तो उत्ते थले हो रहा लेकिन है भी इस तरह. यू आर द बेस्ट, यू आर द क्वीन, यू आर नंबर वन. थैंक यू. और भी कुछ कहवा? कैमरा बिच ही लगा तो बंद हो गया. हालांकि मैं कह चुका और मैं कह तारीफ ही कर रही थी. मैं यू आर द बेस्ट, यू आर नंबर वन, यू आर क्वीन. मतलब आज जी सारी गल्ला मैं झूठे कह रहा. मतलब तारीफ तेरे को हजम नहीं होंगी तेनों. अच्छा मतलब ले फिर यार वाकई तो बड़ी फिर ऑनेस्ट और साफ गो है. तेनों भी पता कि मैं जरा कह रहा सब झूठ ही कह रहा. चलिए जी देखें आज दिन बहुत ही अच्छा है. हम वाक पे निकल पड़े इसलिए कि हमने कहा इसका फ़ायदा उठाओ. आपको बता यह 4-5 दिन पहले यहाँ स्नो पड़ी, बर्फ इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन बर्फ पड़ी, बड़ा टेम्परेचर नीचे था. तो आज हम जो है हमने फौरी तौर पे क्योंकि मैं भी बैठे बैठे जाहिर है अब थोड़ा सा कोई काम करो तो सांस फूलने शुरू हो जाता है. कई आप लोगों ने मेंशन भी किया ये गत्ते तोड़ना या थोड़ा बहुत गैराज की सफाई इधर उसमें तो वो चूँकि आप फिर बैठ जाते हो ना तो फिर आपका वो स्टेपना जाहिर है वो नहीं रहता. वो अब मैं इतने दिनों से बैठा बैठा बस इसके ऊपर तो आज हमने फौरी तौर पर फैसला किया कि अब अगर ये मतलब है कि ठंड भी हो जाएगी तो कोशिश करेंगे हफ्ता 10 दिन तो ये वॉक कर ले. क्यों आसपा हो जाएगी नहीं हफ्ता 10 दिन तो हो जाएगी ना. देख लो डिपेंड करते तो आपके इस वेदर पे कोई व्यूज. हाँ हम तो लकी हैं इतना अच्छा वेदर बन गया इतना अच्छा इसमें इस महीने में है ना. सब जाएं वॉक करें, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर मेंटल हेल्थ. नहीं मेंटल हेल्थ तो मैनू की कह रही हूँ मैं मेंटल हूँ. थोड़ा सेहन साफ हो सब भूल जाए परेशानियाँ घर में होती है. ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है. हम हंसता हुआ मुँह लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग हंसते. हाँ ये भी है ये भी है. ये जो वुड लगाई थी तकरीबन ये 58 इनके क्रेट्स कह लें इनके वो दत्थे थे तो 58 जगह पे वो पैक होके आई थी. तो वो अभी गैराज में पड़े बच्चे वो जिम करने से भी उसमें है. मुझे बार बार उनका मुझे वो बच्चे मुझे क्या कह रहे थे बस मैंने कहा अभी ये कर लेंगे अभी कर लेंगे तो वो दूसरे कामों में इतने बिजी थे. तो आज मैंने कहा चलो मामा जैद और वो उज़ैर वो तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कुकिंग की. तो इस दौरान मैंने कहा चलो ये स्प्लिट पहनी हुई है ये पहने हुआ आज इतनी सर्दी कुछ नहीं है. ये 2 दिन पहले स्नो पड़ने शुरू हो गई आप सोचें. तो खैर यहाँ का वेदर तो ऐसे ही है वेल्थ
3W यहाँ की अक्सर मशहूर है वो, तो इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन है कि चले, मैंने कहा चलो मैं कम से कम ये जो इनके गत्ते हैं इनको जैसे फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा, तकरीबन 8 फिट का। कैमरा उतारूँ फिर करूँ, ये देखें ये पूरा ढेर जो है ये सारा मैंने फोल्ड करके बाहर रखना है, तो फिर इनको कम से कम बच्चों को ये जिम प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ये इनकी मशीन पड़ी है, उनका वो ये क्या उसको कहते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, वो है वो बेंच पड़ी है बेंच पर, तो इसको मैं खाली करूं। और ये टायर पड़े हैं उसामा के रिम, नए रिमों के साथ डले हुए, तो इंशाल्लाह ये तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इनको मैं इंस्टॉल करा लूँगा, तो ये भी खाली हो जाएगी जगह, तो ताकि गैराज इनके यूज़ में आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज इसी का थोड़ा सा मैं ब्लूटूथ से मेरे वहां से ही आवाज जा रही है, कैमरा पकड़ा नहीं पकड़ा, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इतनी दूर पे, लेकिन यह है कि मैं इसको वो वार्म अप सारा कर करा के उसके बाद ही आता हूँ गर्म पानी से इनको अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम, चलें आप सबकी फरमाइश पे रिकॉर्ड कर रहे हैं स्किन केयर, जो आप मेरे चैनल मामा जैद पे जाके देख लें, होपफुली आपको पसंद आएगी।